हेलो फ्रेंड्स, आज हम बॉलीवुड के बैडमैन गुलशन ग्रोवर की कहानी लेकर आए हैं। गुलशन ग्रोवर का जन्म दिल्ली में हुआ। गुलशन ग्रोवर 62 साल के हो चुके हैं। उनका जन्म 21 सितंबर 1955 को नई दिल्ली में एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। गुलशन ने 1980 में सबसे पहली फिल्म हम पांच की थी। बस 3 साल चली थी पहली शादी। गुलशन ग्रोवर की पहली शादी 1998 में फिलोमिना से हुई थी। यह शादी बस 3 साल चली और 2001 में दोनों का तलाक हो गया। फिलोमिना से गुलशन ग्रोवर को एक बेटा भी है जिसका नाम संजय ग्रोवर है। 2001 में दूसरी शादी। पहली पत्नी से तलाक के बाद गुलशन ग्रोवर ने उसी साल कशिश से शादी कर ली, लेकिन बस 10 महीने बाद ही 2002 में गुलशन और कशिश का तलाक हो गया। कैसे पड़ा बैडमैन नाम? एक इंटरव्यू में गुलशन ग्रोवर ने बताया था कि बैडमैन मुझे एक्टिंग से मिला एक नाम है। गुलशन ने फिल्म राम लखन में केसरिया विलायती उर्फ बैडमैन का रोल किया था। यहीं से यह नाम गुलशन ग्रोवर के साथ चिपक गया। 37 साल में कितनी फिल्मों में किया है काम? गुलशन ग्रोवर ने पिछले 37 सालों में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। गुलशन ग्रोवर ने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। जिंदगी का सबसे मुश्किल सीन सबसे हिट रहा दोस्तों, बात 2003 की है। इसी साल कैटरीना कैफ ने अपनी पहली फिल्म बूम की थी। इसमें कई सीन बेहद बोल्ड थे। एक इंटरव्यू में गुलशन ग्रोवर ने बताया था कि बूम का सीन उनके करियर का सबसे मुश्किल सीन था। यह सीन अमिताभ बच्चन के सामने देने थे। गुलशन और कैटरीना ने इन सीन के लिए कई बार प्रैक्टिस भी की थी। दोस्तों, इस फिल्म के ये सीन जब ऑनलाइन रिलीज हुए तो 40 मिलियन व्यूज मिले थे। तो दोस्तों, यह थी गुलशन कुमार की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। आप बने रहे YRY18 के साथ। हॉलीवुड बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।